मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिला अपराध पर दिए बयान के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। इसी का नतीजा है कि इन अपराधों में तेजी आई है और राजस्थान के भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में महिला का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आने के बाद जिसमें ये दर्शाया गया कि राजस्थान बलात्कार की घटनाओं में अव्वल है, 6,337 घटनाएं हुई हैं, यानी 17 घटनाएं प्रतिदिन, और इससे बौखलाए हुए विचलित मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, विपक्ष पर तोहमत लगाई राजस्थान को बदनाम करने की, लेकिन कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनकी हताशा और निराशा साफ दिखती थी। उन्हीं के बयान का नतीजा था कि जब उन्होंने कहा कि 56% मामले झूठे होते हैं, लेकिन ये बात तय थी कि जब कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो अपराधियों के हौसले ज्यादा बुलंद होंगे, अपराधी ज्यादा बेखौफ होंगे। और ये प्रमाणित सत्य है कि राजस्थान में 7,97,000 मुकदमे दर्ज होने के बाद एक लंबी फहरिस्त महिला अपराधों की है, उसमें दुष्कर्म की, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ी, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद में यकायक एक बार फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। जी हां, रुदावल के बयाना की घटना यही साबित करती है किस तरीके से, विभत्स तरीके से उस महिला का अपहरण किया गया होगा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जो हैं, उनकी लापरवाही ने राजस्थान की मातृशक्ति के सम्मान को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई है। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको कोई न कोई इस तरीके का उपाय और उपक्रम करना चाहिए जिससे राजस्थान की महिलाओं की, नारी की सुरक्षा और स्वाभिमान को कोई आंच न आए।